गणपति बाप्पा मोरिया। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन भी बहुत बढ़िया शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं अभी सावरकुंडला, मेरे मामा के घर। आइए, वहां भी आपको रास्ते में नई नई चीजों से आपको मिलवा कर चलते हैं हम सावरकुंडला। और कल मंदिर का जो मैसेज था, सब लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, उसमें से वीणा सोलंकी, फिर वर्षा सोनी, और उसमें से एक यतिन मांगू क्या, उसका मैसेज सबसे ज्यादा लिखा था। और सबका एक ही बात कहनी थी कि गुस्सो ना करो, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा लिखा है, कोई भी परिस्थिति में गुस्सा ना करे वो इंसान का टॉप है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ये दो तीन लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है और बहुत अच्छा लगा। तो बस आज का भी मैसेज मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ। जो कोई भी इसका अच्छे से उत्तर देगा उसका नाम लेकर मैं हर रोज बताता रहूंगा। तो प्लीज मस्त जवाब दीजिए हर रोज। और आज चलते हैं सावरकुंडला, तो चलिए। अरे तो बोल क्या जावानू। अरे मैं जा रहा हूँ सावरकुंडला, मारा मामा ना घरे। बराबर न्या तो हूँ आयो, न्या न था हूँ न था हूँ न्या अना दूध जियो ने बताई केन ने ये बोला पारुल बेन नी ने लन वियो जाय जो अच्छर मा ये ने साखवा दे जियो जो आउ गांबड़ा नु दूध हो लीठू सर। अरे न्या ना न्या ना जाओ अपने। और पारुल बेन, आपने मुझे पता है कि आपने बोल दिया कि भाई मैं मजाक कर रही थी, इसलिए सब व्यूअर को बोलना चाहता हूँ कि पारुल बेन जो है मजाक कर रहे थे, सीरियसली नहीं थे वो, इसलिए कोई ऐसी वैसी कमेंट मत कीजिए। और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ उसके घर दूध भेजो। पारुल बेन ने 2 लीटर, पारुल बेन आपके लिए 2 लीटर दूध रेडी है। जब कभी भी आप आइए तो आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो रमेश अपने पारुल बेन ने अपने गिफ्ट आपीशु। हाँ, 2 लीटर भेगू देवानू दूध नाये रोकाये अने जेटलू पीवू एटलू फ्री में। कोई शरारत हम बचपन में की थी वो सी याद है तुम्हें कोई? हाँ, कौन से? જયારે સ્કૂલ નો ટાઈમ થતો રિસેસ નો, બરોબર, બપોર પછી તારે ભણવું ન હોય એટલે તું વંડિયું ઠેકી ભાગતો અને ફેક્ચર છૂટ્યું, યાદ છે? हाँ भाई, मेरे को वो जो पढ़ने का बहुत नहीं अच्छा लगता था, तो रिसेस के बाद कैसे छुप छुप के घर पे चले जाने का वो प्रोग्राम बना लेता था और रमेश को भी लेके चलता था। रमेश बपोर पछी 3 वाग्या पछी हुखड़ी बनाते थे, खाते थे घर पे है ना रमेश, घर का प्रोग्राम करते थे। मैं और रमेश के घर से सब खेत पर चले जाते थे, तो 5 बजे मैं यहाँ रमेश के घर पे, रमेश बनाता था, मैं खाता था, 5 बजे मैं अपने घर चला जाता था। घर को ऐसा लगता था कि भैया स्कूल से आ रहा है ना रमेश? हाँ, बहुत मजा आई हुखड़ी खावानी। और फ्रेंड्स, आज मैं अभी जा रहा हूँ सावरकुंडला, तो आइए सब लोग, आज आपको मेरे मामा के घर की सैर कराता हूँ, बहुत मजा आने वाला है उधर, चलिए। देख रहे हो गाड़ी छोटी और सामान ज्यादा, ऐसा भी माल सामान यहाँ पे जाता रहता है। और हम सावरकुंडला जाने के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में बहुत एंजॉय वाला मौसम है। सब जो वर्ण होता है ना कपास, उसका कोटा फूट गया है और दो दो पांदड़े सब हो गए हैं, काफी काफी जगह तो 5-5, 10-10 पांदड़े भी हो गए हैं। और बढ़िया जा रहे हैं, और ये आ रहा है छकड़ा भाई, और बढ़िया छकड़ा के साथ जिसमें कितने घुस जाते कोई पता नहीं है। तो रूलिया अपने क्या जाइए कुंडला, क्या कौन से त्या मामा ना घर है? अभी मेरे मामा के घर जा रहे हैं, इससे पहले जब गए थे तब किंजल के मामा के घर गए थे, तो भाई दोनों का मामा का घर आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, समर डियर आ गया अभी, मस्त पक्षी उड़ते हुए। और अभी जो आ रहा है नेहड़ी का ये पुल आ रहा है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, अभी दूर दूर आपको दिख रहा है, तो आप देख सकते हो दादा बैठ गए, दादा नेहड़ी का गेट। आ गया है कुंडला, चारों शहर सही सलामत। जो भी कुंडला के हमारे व्यूअर्स है वो कमेंट खास कीजिए, और मुझे नहीं पता वरना एक दो लोगों से मिलके जाते भाई, काफी लोग है हमारे व्यूअर्स यहाँ के, तो फिर भाई कमेंट कीजिए। तो अभी सावरकुंडला से जाते हुए बीच में आया है, कुंडला में ही है मेरे फोय का घर, और उनके लड़के से मिलकर जाने वाले है। जो मेरे फोय है वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सबसे छोटे फाई थे, और उनके लड़के और उनकी वाइफ और बच्ची को मिलके जाने वाले, आइए तो साथ में, ठीक है। पहुंच गए राघव के घर, मेरे फाई का लड़का, आप देख सकते हो।
ये है राघव, ये बिना पढ़ाई के अभी इलेक्ट्रिशियन में मास्टर बन गया है। जो भी दो खोल देंगे, जो भी दो फिट कर देंगे। तो आइए उनके घर। कहाँ गई वो छोटी गुड़िया? टाटा। अरे वाह गट्टू, जता जता कर रहा। आरो आओ जो, जय सोमनारायण। नीलकंठ कृपा निवास आ गया है, तो चलिए मेरे मामा के घर। नारायण ठाकुर, जय सोमनारायण, जय सोमनारायण मामा। ये है मेरे मामा, ये है हमारे मामी, देखो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देखो मास्टर, सब लोग अभी आ जाएंगे यहाँ पे। हेलो, हाय। कहाँ गया वो छोटू? छोटू गया अहमदाबाद। अहमदाबाद गया मामा के घर। अच्छा, मैं मेरे मामा के घर आया, वो उनके मामा के घर चला गया। तो चलिए आज खाने वाले आइसक्रीम के सोलंकी स्वीट मार्ट, जो सावरकुंडला में बहुत फेमस है। यहाँ का हम जब भी सावरकुंडला आते हैं तब ये यहाँ से लेके जाते हैं। ये है मोहन थाल, ब्लैक मोहन थाल आपने बहुत कम देखा होगा। और हम जब भी आते हैं यहाँ का पेंडा, वो बहुत ही फेमस है। मैं जब भी मामा के घर आता हूँ खाने में ये धना धन होता है भाई, बहुत मजा आता है। हाँ बीजू हूँ फेमस है। बड़ी स्वीट हारी आवे ने, जे एक बार खाई गई बीजी बार तो आवुज पड़े हम ना। तो फ्रेंड्स खाना हो गया है रेडी, मेरे पापा और मामा यहाँ पे बैठ चुके हैं और किचन में चलते हैं। तो मामी ने रसोई कर दी है और ये है तनु। हाय फ्रेंड्स, हेलो किंजल। और मामी शू शू बनायु छे? रोटी। अरे वाह क्या बात है, फाड़ा लापसी इडला है और पात्रा है, साथ में चटनी भी है। तनु बोलने में मेरे जैसी ही है, मस्त मस्त बोल देती है। अभी चेनू लेक्चर चाले जे तनु? अभी बीए का लेक्चर है। बीए का? यस। क्या भाई ऑनलाइन? यस। ऑनलाइन भणू गमे तने? ना पड़ा भणू पड़े छे। क्या करते हैं अभी कोरोना का स्टूडेंट? तो भाई ऑनलाइन तो पता नहीं, मैं तो रियल जब पढ़ने जाता था तब भी नहीं पढ़ा जाता था, पता नहीं ये लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन बंद होना चाहिए, है ना? तेरा क्या कहना है? बंद होना चाहिए क्योंकि अब हमको जाना है, क्योंकि हम ऑनलाइन में ज्यादा पढ़ नहीं सकते, है ना? क्योंकि हम उसमें नेट थोड़ा स्लो चलता है, कभी फास्ट चलता है, तो हम ज्यादा पढ़ नहीं सकते इसलिए। अच्छा, और अभी ये संकुल में पढ़ती है, संकुल में ना? संकुल अभी याद आ रहा है ना? आता है। बहुत आता है क्योंकि कितने टाइम से बंद है ना। अच्छा, फ्रेंड्स लोगों को मिलना जुलना मजा आता है, मजा आता है। तो फ्रेंड्स अभी हम खाने पे टूट पड़ते हैं और उसके बाद आपको खिलाना है आइसक्रीम, हम खाएंगे आप देखेंगे सिर्फ। फिर सूरत से मेरे मासी देखते होंगे, भावना मासी, हंसा मासी और अस्मिता मासी, हमारी छोटी छोटी मासी, और वो देख के मोबाइल में देख के वो एंजॉय करेंगे। तो आप सबको उधर ही एंजॉय करना है, यहाँ पे नहीं आना है। और मेहुल तुम्हें जो आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, वो आज हम खाने वाले है, तुम देखो सिर्फ, ठीक है? बाय बाय। मैं जिसका था इंतजार वो आ गया है हमारे घर। तो आप देख सकते हो आइसक्रीम जो है वो आ गया है, आइसक्रीम हो गया है रेडी। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया, यहाँ का लाजवाब अभी आ रहा है मुंह में पानी, तो बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ये है मेरे मामा का घर, मेरी मॉम का घर। अभी यहाँ पे सब कुछ है लेकिन मेरी मम नहीं है अभी, तो घर सुना सुना सा लग रहा है। पहले जब भी हम आते थे यहाँ पे तो मेरी मम यहाँ पे इतनी मस्ती करती थी, जैसे अभी रूही कर रही है वह उतनी मस्ती करती थी और सबको हंसाती थी। वो जब तक सबके बीच में ना आए तब तक सबको बहुत सुना सुना लगता था, बहुत मिस कर रहे हैं उनको आज। और दिल कैसा भरा भरा लगता है हर बार, ऐसा बहुत खाली खाली लग रहा है। नीचे सबके साथ मस्ती कर रहे हैं लेकिन अंदर से अंदर एक बेचैनी सी रहती है जो हम किसी को कह नहीं पाते लेकिन महसूस होती है।
तो बस अभी आए हैं और आइसक्रीम खाना खाता था। जब आइसक्रीम खाता था तब बहुत याद आती थी। खा लिया तो जैसे लगा कि मोम की इच्छा पूरी हो गई। मोम को ऐसा था कि दर्शक आइसक्रीम खा लेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। वो एंड तक मेरी चिंता बहुत कर देती, तो थोड़ा बहुत दुख होता है और नहीं है अभी इसलिए। पर क्या करें, अभी जो हो गया वो हो गया, अभी वो वापस तो नहीं आ सकता। तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं। आज का सुविचार केटलू जतू करी शको छो तेना परथी अंदाज बांधी शकाय छे के तमे केटलू प्राप्त करी शको छो। क्या बात है भाई, मेरे सब व्यूअर्स को ये मैसेज दे रहा हूँ और सोच कर समझ कर इसका आंसर्स दीजिए और मैं उनका नाम लेकर कल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय।